तो दोस्तों कंप्यूटर का वर्जन कैसे चेक करें, कंप्यूटर का वर्जन कौन सा पता करें कि हमारे कंप्यूटर में विंडोज का वर्जन कौन सा है, क्योंकि कई सारे लोग कमेंट कर रहे थे, तो ये वीडियो बनाना इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेरा काम ही है कंप्यूटर और लैपटॉप से जुड़ी हुई जानकारी आपको प्राप्त करवाना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बेसिक सा फंडा दिखाता हूँ, कई सारे तरीके बताऊंगा जिसका इस्तेमाल करके आप लोग जो है आपके पीसी में कौन सा वर्जन का सॉफ्टवेयर ओएस है वो आप पता कर सकते हैं, विंडोज का वर्जन पता कर सकते हैं। देखिए सबसे पहला जो सबसे आसान तरीका है वो मैं आपको बता दूं कि आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने लैपटॉप के कीबोर्ड से ठीक है विंडो एंड आर एक साथ प्रेस करना है, और इसके बाद यहाँ पर आगे आपको टाइप कर देना है WINWIN एंड VER बार। ओके ओके कर देना है, यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। देखिए मेरे कंप्यूटर में विंडो 11 वर्जन है और यहाँ पर देख सकते हैं ठीक है, वर्जन 23H2OS बिल्ड 226314.4249। तो यहाँ पर ये पहला तरीका है जिसका इस्तेमाल करके हमने चेक किया कि हमारे कंप्यूटर में विंडोज कौन से वर्जन का है। अब मैं आपको दूसरा तरीका बता देता हूँ CMD का इस्तेमाल करके। चलिए CMD का इस्तेमाल कर करते हैं, तो CMD यहाँ पर टाइप कर लेते हैं सर्च बार में और यहाँ पर CMD यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ से भी हम जो है पता लगा सकते हैं बेसिकली CMD का इस्तेमाल करके कमांड देकर कि हमारे जो PC में विंडोज है उसका जो है कौन सा वर्जन है ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली आप यहाँ पे विन ये WINWIN एंड VER टाइप करके एंटर कीजिए, यहां से भी आपको पता चल जाएगा सेम जानकारी। देखिए यहां पर भी पॉपअप निकल के आ गया और बोल रहे कि भाई आपके पीसी में विंडोज 11 वर्जन है। चलो ठीक है, दो तरीका मैंने बता दिया, अब तीसरा तरीका भी बता देता हूँ कि भाई कैसे आप चेक कर सकते हैं कि आपके पीसी में कौन सा वर्जन है, कौन सा विंडोज है। तीसरा भी तरीका देख लीजिए। यहां पर कंट्रोल पैनल में जाइए ठीक है, कंट्रोल पैनल ओपन कर लीजिए, एंड ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सिस्टम का एक ऑप्शन मिलता है, ये देखिए यहाँ पे सिस्टम का ऑप्शन मिलता है। तो सिस्टम वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, सिस्टम में जाएंगे डायरेक्टली ये खुल जाएगा सामने, हमारे सामने जो है डिवाइस का प्रेफरेंसेस स्पेसिफिकेशन आ गया, यहाँ पर विंडोज स्पेसिफिकेशन आ गया कि भाई हमारे जो पीसी में कंप्यूटर में विंडोज है उसका एडिशन कौन सा है, विंडो वर्जन कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर एडिशन आ रहा है विंडो 11 प्रो, एंड यहाँ पर वर्जन दे रहा है 23H2। तो यहां से भी आपको पता चल गया कि भाई मेरे पीसी में कौन सा वर्जन है, और इसी तरीके से आप लोग भी पता कर सकते हैं ठीक है। वैसे यहां पर मैंने कंट्रोल पैनल का बताया था, अब एक तरीका और देख लिए, सिंपल सा तरीका, बेसिक सा तरीका है जिसको देखने के बाद कोई भी अपने पीसी में सॉफ्टवेयर का वर्जन या फिर विंडोज का वर्जन पता कर सकता है कि कंप्यूटर का वर्जन कौन सा है ठीक है। ये बहुत ही आसान है, सिंपली आपको यहाँ पर विंडो के स्टार्ट बटन पर क्लिक कर देना है, उसके बाद से यहाँ पर ये जो सेटिंग है सेटिंग पर क्लिक कर देना है, उसके बाद से आपके सामने कुछ इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर देखिए ये जो फाइंड सेटिंग है यहाँ पर जाना है आपको, यहाँ पर टाइप कर देना है ABOUT अबाउट ठीक है, अबाउट योर पीसी का यहाँ पर ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे फिर से यहाँ पर आ जाएगा इस तरीके से, और यहाँ पर देख लीजिए दिख रहा है विंडो 11 प्रो एंड वर्जन है 23H2 ठीक है, OS बिल्ड है फलाना ढिकाना, यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये मैंने आप लोग को कई सारा मेथड बता दिया, कई सारे तरीका बता दिया जिसका इस्तेमाल करके आप लोग अपने कंप्यूटर और लैपटॉप का विंडोज कौन सा वर्जन है पता लगा सकते हैं, या फिर कौन सा वर्जन का सॉफ्टवेयर है पता लगा सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, इस तरह के वीडियो के लिए आप रामजी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।